हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे येस बैंक पे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा कि भाई इसकी कंडीशन कैसी है, और बहुत से लोगों के डाउट हो रखा है कि भाई ये 100 तक जाएगा, ये इतने तक जाएगा, ये होगा वो होगा। तो आज आपके सारे जो डाउट है इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपसे एक ही रिक्वेस्ट, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ पे भाई पहले तो हम कुछ ऐसे पॉइंट कवर करते हैं जिन्हें जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। जो येस बैंक की पी रेशो है वो 54 की है, और यहीं पे इंडस्ट्री पी की बात करें, मतलब अदर जो बैंकिंग है जैसे SBI है, HDFC है, या फिर कोटक महिंद्रा है, जैसे उनकी जो पी रेशो है ना, वो एवरेजिंग पी निकालते हैं इंडस्ट्री पी मतलब, तो इंडस्ट्री पी 22 की है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पी रेशो ज़्यादा हो रखी है, तो थोड़ा ध्यान से ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भी एक रिस्टेंस है जो कि 24.46 का, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो ये 26.14 तक जाएगा। भाई अब बहुत से लोगों को डाउट है कि ये 100 तक भी जाएगा, तो मैं आपको बता दूँ 50 तक, 100 तक, एक ये लॉन्ग टर्म का व्यू है। शॉर्ट टर्म में अभी ये स्टॉक वहाँ तक नहीं जाएगा। हाँ, 5 से 7 साल में ये भाई 100 तक जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये नहीं जाएगा। शॉर्ट टर्म के टारगेट मैं आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ। अगर भाई यहाँ पे देखो रिस्टेंस से गिरावट आपको देखने को मिल रही है, ये गिरावट कहाँ तक देखने को मिलेगी, यहाँ पे जो हमारी ट्रेंड लाइन है उसका सपोर्ट है जो कि यहाँ पे रहेगा 22.67 तक आने की उम्मीद है, और यहाँ से रिकवरी की फिर उम्मीद की जा रही है। तो ये मोमेंट अभी आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने वाला है। अब लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म में अगर ब्रेकआउट देता है ये 24.46 का, तो ये 26.14 तक जाएगा, उसके बाद ही ये यहाँ पे जाएगा और जो कि 28.50 तक। ठीक है, जिसने इस प्राइस पे बाई कर रखा है वो क्या करे भाई, इस प्राइस पे जिसने बाई कर रखा है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर यहाँ पे बाई कर रखा है तो अब भी एवरेजिंग मत करना, आपको एवरेजिंग करनी है इस लेवल के आसपास जो कि 22 का है, यहाँ पे आके आप एवरेजिंग कर सकते हो, या फिर फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो तो थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न देने की उम्मीद है, क्योंकि पहले ये MSCI इंडेक्स में भी इंक्लूड हो गया है। बाकी इसकी जो कंडीशन ख़राब हुई थी, SBI ने अपनी जो होल्डिंग ली इसमें, उसके बाद लगातार इसकी कंडीशन सुधर रही है। तो आप सोच सकते हो अगर SBI जिस दिन अपनी होल्डिंग इसमें से निकालेगा तो स्टॉक में गिरावट आने की उम्मीद की जा रही है। बाकी आपका क्या कहना है स्टॉक के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ है।